आइए सद्धम्म को जानना सीखे, समझना सीखे। धम्म पद में तथागत बुद्ध ने बड़ा मंगलमय, बड़ा उद्धार करने वाला, सभी को परम मुक्ति परम आनंद तक ले जाने वाला ऐसा उपदेश धम्म पद में बुद्ध ने दिया है। धम्म पद पर मैंने सभी 430 गाथाओं को स्टोरी के साथ मैंने YouTube पर डाला हुआ है। बुद्धिमान प्रज्ञावान लोग उसका उपयोग लें, बुद्धवाणी को सुने, अपने जीवन को धन्य करें। आज धम्म पद की एक गाथा आपको बता रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, आरोग्य परमालाभा संतुष्टि परमं धनं विश्वासा परमायाति निब्बानं परमं सुखं। हमारा सबसे बड़ा लाभ कौन सा है जानते हैं आप? आरोग्य, स्वास्थ्य का अच्छा रखना, यह सबसे बड़ा लाभ है। यदि हमारे पास बहुत धन दौलत है, बहुत जमीन जायदाद, बहुत बंगले, बहुत गाड़ियां है, बहुत धन है बैंक में, लेकिन स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं, आरोग्य ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं, तो आप निर्धन हो, लाभी नहीं हो। परम लाभ कहते हैं आरोग्य का अच्छा होना, स्वस्थ आरोग्य को रखना, स्वास्थ्य को अच्छा रखना, ये भी आप सभी के हाथ में है, हमारे हाथ में है कि मैं मेरे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर खान पान के प्रति, चाल चलन के प्रति, उठने बैठने के प्रति, हर एक अवस्था में जागरूक रहकर मैं अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने का प्रयास करूं, तो जीवन धन्य होगा। अच्छा चल सकूं, अच्छा उठ सकूं, अच्छा जा सकूं, अच्छा काम कर सकूं, हमेशा एक्टिव रहना सीखो। स्वास्थ्य का ध्यान रखना हर एक व्यक्ति के हाथ में है। मैं मेरे स्वास्थ्य को अच्छा रख सकता हूं यदि जागरूक भाव से मैं रहा तो यही जागृति हम में लानी है अपने स्वास्थ्य के प्रति। उसी प्रकार जो धन दौलत बाहर का होता है तो है ही, उसकी तो अपनी कीमत है, अपना महत्व है भाइयों, अपना महत्व है उसका, धन का, लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य अच्छा रहे तो डबल लाभ होगा आपका, बहुत लाभ होगा, और इसे ही परम लाभ कहते हैं। फिर संतुष्टि परमं धनं, संतुष्ट रहना सीखो, तो ये परम धन है। यदि एक आदमी के पास बहुत धन है, बहुत कमाया, बहुत कमाता है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं, कमाने पर लगता है कि मैं महीने में 1 लाख कमाता हूं, ये भी कम है, 2 लाख कमाता हूं, 5 लाख कमाओ, 5 लाख कमाने लगा फिर भी संतुष्ट नहीं, 10 लाख कमाऊंगा, 10 कमाने लगा, 1 करोड़ कमाने लगा। अच्छा है, अच्छा कमाना बुरी बात नहीं, कमाओ, अच्छा करो, लेकिन जो भी अपने बुद्धि से चातुर्य से कमाते हो, जो भी पाते हो, मिलाते हो, उसमें संतुष्ट रहना सीखो। यदि संतुष्ट नहीं रहोगे तो धन के पीछे भागते भागते, दौलत इकट्ठा करने के पीछे भागते भागते संतुष्टि गमाओगे तो सुख शांति गमा बैठोगे। सुख शांति तब रहती है कि जब हम संतुष्ट रहे, जो भी करते हैं करें, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें, और जो मिलता है मेरे परिश्रम से, मेरे बुद्धि से, मेरे प्रयत्न से, जो मैं मिलाता हूं पाता हूं, उसमें मैं संतुष्ट रहूं, उसमें मैं सुखी रहूं, तो यही सुख शांति। अब देखिए हमारे जो किसान
मेहनत से कमाता है, मेहनत करता है, और कमाने के बाद, मेहनत करने के बाद उसे जब मिलता है, तो मिलने के बाद वो बड़ा प्रसन्न होता है, आनंदी होता है, शांत होता है, अपने आए हुए उभरे हुए उस फसल को देखकर, उस खेती को देखकर कि मैंने काम किया, मेहनत किया, आज कितनी मेरी खेती बहुत अच्छी फसल देने लगी, कितनी अच्छी फसल उगी है, उसमें जो आनंद आता है संतुष्टि का, वो बहुत बहुत बड़ा आनंद है, बहुत बड़ा आनंद है। तो संतुष्ट रहना सीखो। यदि हम संतुष्ट नहीं हैं तो हमने आनंद को सही नहीं पाया। तो संतुष्टि परम धन, इसे ही परम धन कहते हैं। यदि कितना भी धन हमारे पास हो लेकिन संतुष्टि नहीं, तो हम शांत नहीं रहते, हम उस सुख से वंचित रह जाते हैं, दूर रह जाते हैं। इसलिए जो भी है जीवन में, लगता भी क्या है भाइयों, भाई बहनों, क्या लगता है? जीवन जीने के लिए कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक चीज़ें ठीक ढंग से मिल गई, जितना चाहिए उतनी मिल गई, तो सुख समाधान शांति से जीवन वो व्यक्ति जिएगा और मंगल मंगलमय उसका जीवन बनेगा। तो इस प्रकार ये बुद्ध की वाणी बड़ी मंगलमय है, बड़ी मंगलमय है। इस धम्म पद का अगला हिस्सा पार्ट टू में सुनिए। आप सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। इस क्लिप को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्त मित्रों को भेजिए, लाभी बनिए धम्म के। धन्य हो आपका जीवन, धन्य हो आपका जीवन।